टॉपिक है जी एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व हम बेटे इसमें तीन तरह की कर्व्स को डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले जो मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहते एल्कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कि टाइट्रेशन हम क्यों करते हैं टाइट्रेशन करने का जो एक बेसिक पर्पज है टू फाइंड आउट देशन ऑफ अन नॉन सोलूशन की एक सॉल्यूशन है आपको उसकी कंसेंट्रेशन नहीं पता तो आपने अगर उसकी कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे टाइट्रेशन करेंगे खिजान बेटा ये ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है ठीक है ये ऑर्गेनिक का नहीं है इसलिए मैं इसको आ, आपको ऑनलाइन करवा रहा हूँ ऑर्गेनिक तो मैंने आपसे कहा था मैं फिजिकल कराऊंगा आपको सारी तो ये जो आप इसको कह सकते हैं कि किस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको याद होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में एसिड बेस कॉन्सेप्ट था कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस तो उसी से इसको आप लिंक कर सकते हैं अब जरा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्किली की जो टाइट्रेशन करते थे पहले रिएक्शन देख लें हमारे पास है एम इसका रिएक्शन हमने करवाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बनेगा जी एन और क्या बनेगा वाटर हम कर लेते हैं कि एन की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज जीरो पॉइंट वन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और इसका आप कितना वॉल्यूम यूज कर रहे हैं जी ट्वेंटी क्यूबिक सेंटीमीटर सपोज ठीक है या हम कर लेते हैं ट्वेंटी फाइव इसका जो वॉल्यूम यूज हो रहा है ट्वेंटी फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर और एच जो है ना ये हमारे पास ट्वेंटी फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर है इसकी आपने अगर फाइंड आउट करनी होगी तो आप क्या करते हैं टाइट्रेशन करते हैं ठीक है आपको उससे कंसेंट्रेशन uh, पता चल जाती है लेकिन फिलहाल हमने कर्व ड्रॉ करनी है तो इसलिए मैं कंसेंट्रेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ एच सी एल की भी कंसेंट्रेशन में रिज्यूम करता हूं कि जीरो पॉइंट वन ही है ठीक है और कितना वॉल्यूम एच सी एल का मुझे चाहिए होगा एन एच को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो एक सिंपल सी आपको बात बता दूं वैसे तो कैलकुलेशन भी इसमें आप कर सकते हैं लंबी चौड़ी कैलकुलेशन लेकिन जुबानी भी हो सकता है अगर इक्वेशन में मोलर रेशोज सेम हो जैसा कि यहां पर आपको नजर आ रही है मोलर रेशो सेम है ना एन और एच में वन रेशो वन अगर इक्वेशन में मोलर रेशो सेम हो और कंसेंट्रेशन भी सेम हो दोनों की तो फिर वॉल्यूम भी इक्वल ही यूज होता है अगर एन एस ट्वेंटी फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर है तो एच सी एल भी ट्वेंटी फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर ही यूज होगा ठीक है या अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं रेशो मेथड से भी हो सकता है

तो आपके पास 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आएंगे x तो यहां से बेटा आप मोल निकाल लेंगे पहले ठीक है इसको आप कैलकुलेट करें 0.1 25 1000 तो ये आपके पास आएंगे जी 0.0025 मोल्स अब अब यहां पर देखें जी HCl के कैसे निकालेंगे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आने थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर में जीरो पॉइंट वन मोल आ रहे हैं ठीक है और आपको यह देखना है कि कितने मोल्स अब देखें आपने यहां पर एन एच के मोल कितने निकाले हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव ना मोलर रेशो तो आपको पता है सेम है जितने मोल एन की यूज होंगे उतने ही मोल एच के भी यूज होंगे NaOH के कितने मोल यूज हो रहे हैं जी 0.0025 तो HCl के भी इतने होंगे 0.0025 तो इसमें वॉल्यूम कितना आएगा x 0.0025 मोल्स में कितना HCl का वॉल्यूम यूज होगा x तो आप यहां पर x की वैल्यू निकाल लें x is equal to 1000 times 0.0025 divided by 0.1 तो 25 आ रहा है तो ये देखें कि आपको मैंने

आपने ये वर्ड में भी पहली दफा सुना हो लेकिन आगे जाकर आपको मैं इसी क्लास में जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा बेसिक सॉल्ट और इसी तरह मैं आगे जाकर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली का रिएक्शन करवाऊंगा तो मैं वर्ड यूज करूंगा एसिडिक सॉल्ट लेकिन फिलहाल ये याद रखें कि जब स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का रिएक्शन होता है तो जो सॉल्ट बनता है इसके रिजल्ट में वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है अब देखें कर्व बनती कैसे है टाइट्रेशन कर्व मैं ज़्यादा साइड पे डायग्राम्स भी बनाता हूं ये जी आपके पास ब्यूरेट है और ये आपके पास है जी कोनिकल फ्लास्क इसमें ना आपके पास एनएच है करते हैं क्या है एन ए ओ एच कितनी कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और इसका बेटा वॉल्यूम कितना आ रहा है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने इसमें लिया हुआ है वॉल्यूम NaOH का आप समझने के लिए ये अज्यूम कर लें कि यहाँ पर OH आयन है कौन से आयन है OH आयन ऊपर से मैंने एसिड ऐड करना है HCl कितनी कंसंट्रेशन है इसकी 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कितना वॉल्यूम में ऐड करूंगा ऊपर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए कि ये जो ओएच आपको बेटा नजर आ रहे हैं ना ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएं तो इसके लिए मुझे कितना एचसीएल यूज करना होगा मैंने भी कैलकुलेशन करके भी आपको बताया है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको एच सी एल ऊपर से एड करना होगा फॉर दी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और हम इसमें एक इंडिकेटर भी डालते हैं उसके बाद में, बाद में करूंगा इंडिकेटर भी आप डालते हैं ना बेटा जो आपको बताता है कि रिएक्शन हो गया है, अपना कलर चेंज करके अब हम इसका एक यहाँ पर कर्व बनाते यहां पर देखना बेटा यहीं पर हम बना देते हैं कर्व देखें ये हमारे पास होगा अच्छा ये जो एक्स एक्सिस है ना बेटा एक्स एक्सिस ये वाला एक्स एक्सिस पर आप हमेशा उस चीज का वॉल्यूम नोट करेंगे जो चीज ब्यूरिट में होगी तो ब्यूरेट में क्या चीज है एचसीएल तो मैं यहां लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ एचसीएल एडेड किस यूनिट में इन क्यूबिक सेंटीमीटर तो जो भी चीज ब्यूरेट में होगी ना वो आप एक्स एक्सिस पर रखेंगे राइट वाई एक्सिस पर क्या होगा पीएच वाई एक्सिस पर क्या है पीएच पी एच कितने से स्टार्ट होती है पीएच स्टार्ट फ्रॉम जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और ये फोर्टीन ठीक है जी ये आपके पास आ रहा है जी पी एच ई दर ये पी एच इधर जाके आ रही है फोर्टीन और नीचे वॉल्यूम है बेटा ये फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर टेन फिफ्टीन 20 25 ये 30 ये 35 ये 40 ये 45 और ये आगे हम इसको 50 तक ले जाते हैं 45 और ये हो गया 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है जी अब देखिए अब आपने बड़े ध्यान से बात सुननी है मैं इसको बड़ा स्लोली आपको पहले समझाऊंगा ये देखिए जो आपके पास कोनिकल फ्लास्क है ना इस कोनिकल फ्लास्क में क्या चीज प्रेजेंट है इस कोनिकल फ्लास्क में एनए एच है क्या चीज है एनएच सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्गर बेस होता है ना याद रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं ना स्ट्रॉन्गर बेस उनकी जो पीएच होती है वो आपने अबव ट्वेल्व रखनी है Above 12, मतलब 12 से ऊपर होनी चाहिए ट्वेल्व से फोर्टीन के दरमियान 12 से 14 के दरमियान आप स्ट्रॉगर बेस की पीएच नोट करेंगे अच्छा अब देखें यहां पर एन एक स्ट्रॉन्ग बेस है वैसे जो मैं आपको अब ये बात बताता हूं अगर आप ए में होते हैं ना ए में तो ए में हम बच्चों को कहते हैं कि आप इन वैल्यू से इन कंसेंट्रेशन से पीएच खुद निकालें ए तो टू के बच्चे खुद कैलकुलेट करते हैं by using the formula. उनको formula हमने बताया होता है लेकिन आप लोगों के syllabus में में करने का formula syllabus में नहीं है इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आपने जब भी strong base use करना तो दरमियान तो आप थर्टीन ले, ले तो फ्लास्क में अभी आपने कोई चीज ऐड नहीं की में स्टार्ट किया अब मुझे ये बताएं ऊपर से आप क्या चीज ऐड कर रहे हैं जी ऊपर से ऐड हो रहा है एच आप थोड़ा सा ऐड करेंगे देखें इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ना एन एच को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितना एच सी एल एड करना है ट्वेंटी फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर लेकिन अगर आप अभी जीरो से लेकर

10 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl ऐड करेंगे ना तो मुझे बताएं कि बीकर में क्या चीज एक्सेस में होगी स्टिल एनएओएच एक्सेस में होगा क्योंकि आपको पता है अगर एनएओएच को न्यूट्रलाइज करना है आपने 100% परसेंट खत्म करना है तो आपको 25 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl का ऐड करना होगा लेकिन आपने तो अभी HCl 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड किया इट मींस कि NaOH एक्सेस में है ठीक है मैं ना पहले यहां पर कर्व ड्रा कर देता हूं टू थ्रीन टेन इलेवन अच्छा अब देखिए आप जैसे जैसे बेटा आप जैसे जैसे ऊपर से एच सी एड करते जा रहे हैं ये पीएच आप देखेंगे इतनी ज्यादा कम नहीं हो रही ये देखें पीएच जो है ना बहुत ही तकरीबन सेम ही रह रही है बहुत थोड़ी थोड़ी कम हो रही है आप कहेंगे ये क्यों हालांकि आप तो ऊपर से बड़ा स्ट्रांग एसिड डाल रहे हैं इनटू द कोनिकल फ्लास्क लेकिन पीएच तो ड्रॉप इतनी ज्यादा हो ही नहीं रही तो उसकी बेटा रीजन ये है ड्रॉप ना होने की कि कॉनिकल फ्लास्क में NaOH इज इन एक्सेस NaOH क्या है एक्सेस में है ठीक है तो अब देखिएगा कि आपको किस तरह की कर्व ड्रा करनी होती है इसमें अब बेटा देखें आप ऊपर से आपने

अगर आप 25 क्यूबिक 20 से आगे चले 24 पर 24 क्यूबिक सेंटीमीटर भी आप ऐड कर लेना तो आप देखेंगे कि पीएच जो है अभी तक एसिडिक नहीं हुई लेकिन जैसे ही आप 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड करते हैं ना एसिड ऊपर से तो आप देखेंगे ये पीएच पीएच कम होकर इधर आ जाएगी सेवन पे जैसे ही आपने ट्वेंटी क्यूबिक सेंटीमीटर एड किया ट्वेंटी क्यूबिक सेंटीमीटर एच सी एल एडेड जब तो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर एचसीएल ऐड करेंगे तो पीएच कितनी होगी अभी 7 होगी है हालांकि देखिए 25 से थोड़ा सा पहले ना अगर आप 25 से थोड़ा सा पहले देखें मतलब 24.9 24.9 पे भी देखें तो पीएच क्या है 24.9 पर भी पीएच क्या है स्टिल बेसिक है क्यों कोनिकल फ्लास्ट में ओएच आयंस आर मोर लेकिन जैसे ही आप 25 डालते हैं आप, आपको देखें यही तो आप आ, आपको जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आपको बार क्योंकि एक भी drop अगर extra डाल दिया तो फिर पीएच बहुत जल्दी से राइज करती है या ड्रॉप करती है तो इसलिए ये इसकी बेटा रीजन होती है क्यों इस तरह होता है बहुत जल्दी से पीएच चेंज हो रही है रीजन इज के जब कॉनिकल फ्लास्क में ओएच कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी अगर आपने ऊपर से एचआईएन हाँ का डाला ना तो वो पूरे सॉल्यूशन को एसिडिक बना देता है ठीक है अब अब क्या होगा देखें एग्जैक्ट 25 के बिक सेंटीमीटर डालने के बाद ना पीएच 7 होगी लेकिन अब जैसे ही 25.1 पे जाते हैं मतलब आप 0.1 वॉल्यूम मजीद ऐड करते हैं 0.1 तो आप देखें पीएच कितनी जल्दी से फॉल करेगी दोबारा ये देखें सिर्फ आपने बेटा जरा इस एरिया को देखें इस एरिया को ये यहां पर जरा मैं थोड़ा टाइम लगाता हूं और आपको बताता हूं ये देखें 24.9 24.9 पर पीएच क्या थी जी कोनिकल फ्लास्क हम जो पीएच बात कर रहे हैं कोनिकल फ्लास्क वाली की 24.9 पर पीएच आ रही थी 11 25.1 पर पीएच आ रही आपकी तकरीबन 3 देखिए देखें सिर्फ 0.2

ये जरा इस टाइट्रेशन कर्व को देखें जो मैंने अभी ड्रॉ की है इसमें आपको एक ये वर्टिकल सेक्शन नजर आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन बट आप याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और के, के केस में ये वर्टिकल सेक्शन जो होगा ये आपने नंबर याद रखना मैं अभी आपको बता देता हूं वर्टिकल सेक्शन जो है ना ये होगा थ्री से लेकर इलेवन के दरमियान ये नंबर आप याद रखेंगे वर्टिकल सेक्शन जहां पर पीएच बहुत तेजी से ड्रॉप हो रही है दिस वर्टिकल सेक्शन बेटा जहां पीएच बहुत तेजी से ड्रॉप हो रही है उसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन के दरमियान आ रहा है वो इक्वलेंस पॉइंट कह रहा है

टू सोलूशंस टू गेदर इन दुरेक्ट प्रोपोर्शन इन दुरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब बेटा ये कि आपके पास जो एन एवेस्ट था वो जीरो पॉइंट वन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर था आपके पास एच सी एल बी स्पो जीरो पॉइंट वन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर था एन एवेट था ट्वेंटी फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर तो आपको HCl भी कितना ऐड करना था 25 क्यूबिक सेंटीमीटर जैसे ही आप NaOH जिसका वॉल्यूम 25 था उसमें बेटा आप 25 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl ऐड करेंगे ना करेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि जितने मोल्स NaOH के हैं उतने ही मोल्स उतने ही मोल्स आप HCl के अगर ऐड करते हैं इनटू द कोनिकल फ्लास्क उस पॉइंट को आप कहते हैं कि दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा खिजरा ने भी बता रहा हूँ सारी बातें बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जो इक्वलेंस पॉइंट होगा वो हमेशा सेवन होगा तो आप ये बात नोट कर सकते हैं कि इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन इक्वलेंस पॉइंट इज ऑलवेज सेवन सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में अब मैं इस कर्व को एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करके फिर आगे चलूंगा ताकि आप लोगों के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए पहले फिर मैं आपसे बेटा पहले क्वेश्चन आपके सुनूंगा फिर मैं आगे जाऊंगा ठीक है पहले उसको हम दोबारा एक दफा करते हैं देखें जी दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं जो समरी मैंने आपको बताई है अभी तक वो ये कि जब भी कोई स्ट्रोंग एसिड एस ए स्ट्रोंग एसिड और एस बी का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस आप अल्कली कह लें ज्यादा अच्छा है स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जो इक्विलेंस पॉइंट होगा इक्विलेंस पॉइंट वो किस पर आएगा सेवन पर आएगा पीएच सेवन पर इक्विलेंस पॉइंट का वो मतलब होता है बेटा पॉइंट मीन ऐसा पॉइंट जिसमें आप एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट दोनों सॉल्यूशंस की अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एड करते हैं मतलब आप देख सकते हैं ना कि यहां पर एक मोल एन का तो एक मोल एच सी एल का तो अगर आप एग्जैक्ट वन वन मोल

कि यहां पर जो वर्टिकल सेक्शन होगा ना वर्टिकल सेक्शन वो कहां से कहां वो करेंगे, से तक आप आप करेंगे, कहा वन ये टू ये थ्री ये थ्री ये है एट नाइन टेन इलेवन ये इलेवन है तो आप देख सकते हैं बेटा ये जो है ना ये आपका वर्टिकल सेक्शन होगा और वर्टिकल सेक्शन का जो मिड पॉइंट होता है ना दैट इज द इक्वलेंस पॉइंट वर्टिकल सेक्शन का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज दस पॉइंट और पॉइंट आपको ये बता रहा होता है कि इस पर, कि इस वॉल्यूम पर आपने इतना वॉल्यूम ऐड करना है तो पीएच सेवन होगी इस कर्व uh, में आपको ये पता चल रहा है ट्वेंटी फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर आप अगर ऐड कर लेंगे तो पीएच क्या है सेवन है अच्छा अब एक मैं आपको पहले ड्रॉ करना सिखाता हूं कि ये ड्रॉ कैसे करनी है पास पेपर का क्वेश्चन है आपने भी दूसरी कर्व को नहीं देखना बेटा पहली कर्व क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अभी करना है ना बस दूसरी कर्व नहीं देखिएगा अभी पहले बात तो वो कह रहे है जी के आपने जो रिएक्शन किया है वो एन और एच में किया है ठीक है तो पहले तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं बेटा इकरा अभी इक्वलेंस पॉइंट मैं यहां पर बताऊंगा फिर समझ लीजिएगा एन और HBr क्या रिएक्शन होगा एन ए बी आर बनेगा साथ में वाटर बनेगा आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ठीक है तो ये इसके रिजल्ट में न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट अच्छा अब अगर हम इसकी डायग्राम बना लें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देखिएगा के एन देखें अब आपने इसमें असल में आ, टाइट्रेशन कर ड्रा करनी है तो मैंने आपसे कहा था कि एक्स एक्सिस पर आप देखिएगा उसने क्या चीज ली हुई है जो चीज एक्स एक्सिस पर होगी उसको आप ब्यूरेट में लेंगे जो चीज एक्स एक्सिस पर होगी उसको आपने ब्यूरेट में लेना है तो वॉल्यूम ऑफ NaOH इसका मतलब है NaOH आप ब्यूरेट में लेंगे ठीक है NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 0.1 यहाँ लिख देते हैं 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर अच्छा अब कॉनिकल फ्लास्क में बात है हबीर है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर और 0.1 मोल हबीर 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और कितना वॉल्यूम है इसका 25 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत है या वॉल्यूम खुद बता सकते हैं बेटा देखें इसमें अगर वन रेशो वन हो और दोनों की कंसेंट्रेशन भी सेम हो तो इक्वल वॉल्यूम यूज होता है क्या मतलब इक्वल वॉल्यूम अगर एच बी आर ट्वेंटी तो ऊपर से एन एच भी आपको कितना एड करना होगा ट्वेंटी जो आप की बात कर रही थी, फिर सुने के, इस आर जिसका है, इसको करने के लिए चलें मैं पहले मोल निकाल लेता हूं दोबारा दोबारा जरा मोल निकाल लेते हैं कंसेंट्रेशन कितनी है जीरो पॉइंट वन मोल कितने में? में. तो थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर में जो मोल्स आ रही है वो जीरो पॉइंट वन है तो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो मोल्स आएंगे वो एक्स होंगे तो बेटा यहां से आप जल्दी से पहले मोल निकाल लें 0.1 टाइम्स 25 डिवाइडेड बाय 1000 थाउजेंड आ रहे हैं बेटा मोल्स आपके पास एच के एच के कितने मोल्स आ रहे हैं 0.0025 पॉइंट मोल्स कितने हैं जी इसमें 0.0025

0.0025 मोल्स ऐड करेंगे ना NaOH के किसमें इनटू द कोनिकल फ्लास्क तो वो इक्विलेंस पॉइंट होगा क्योंकि आपने एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन प्रोपोर्शन दो केमिकल्स को मिक्स किया है तो वो जो बेटा आपके पास अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन जो आपने दो केमिकल्स को मिक्स किया है करेक्ट प्रोपोर्शन में वो पॉइंट इक्विलेंस पॉइंट होता है अच्छा अब लेकिन हमें ये तो नहीं बताना बेटा ये हमें पता चल गया कि मैंने मोल्स कितने करने कैसे के लिए, आपको वॉल्यूम निकालना है ना कंसेंट्रेशन कितनी है जी एन की जीरो पॉइंट वन थाउजेंड में है जीरो पॉइंट वन कितने में आ रहा है थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर में मतलब जीरो पॉइंट वन मोल्स जीरो पॉइंट वन मोल्स क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रहा है आपको इतने मोल ऐड ऐड करने है तो करने हैं बेटा तो तो मोल्स के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए एक्स. अब यहां से एक्स निकालेंगे 25 आएगा तो आप ये भी कह सकते हैं पॉइंट को समझने के लिए कि क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है जी

इसकी होगी फोर्टीन के दरमियान एच बी आर भी स्ट्रॉग एसिड है इसकी 0 से टू के दरमियान अपने रखनी है बस ठीक है इससे आगे पीछे नहीं जाना अब ऊपर से क्या ऐड हो रहा है जी ऊपर से ऐड हो रहा है है ठीक मैंने आपसे कहा था कि ये जो चीज है ना ये आपकी ये जो बेटा आप एनएच कर रहे हैं, ये किस में होगा ब्यूरिट में होगा कि जो आप ऐड कर रहे हैं किस में होगा ब्यूरिट में होगा ठीक है तो आप रनिंग एसिड अल्कली अल्कली कर कर रहे हैं कर रहे हैं हैं या रनिंग एसिड ये जरा सोच के बता दे। कि मैंने नीचे डायग्राम भी बनाई कोनिकल फ्लास्क आपने करना है, में. आप की देख रहे होते हैं बेटा तो इनिशियली पीएच क्या होगी एच बी आर की एसिडिक होगी ना क्योंकि HBR है और HBR तो एसिडिक इन नेचर है तो इसलिए इस दफा जो मैंने ऊपर आपको बेटा कर्व बनाकर दी थी ना पिछले उसके अंदर यहां पर बेटा जो आपको मैंने कर्व बनाकर दी थी ये देखें ये रनिंग एसिड इनटू अल्कली था ये इस तरह था जी इधर आप डिफरेंस देखिएगा ताकि आपको ये चीज पता चले आपको मैंने कहा है कि जो चीज एक्स एक्सिस पर होगी ना वो ब्यूरिट में होगी तो पीएच होती है तो इनिशियली एसिड एड करेंगे तो पी एच नीचे की तरफ आ रही है कम होती जा रही है देखिए ऊपर से नीचे लेकिन अभी आप देखिए रिवर्स अभी इसके ऑपोजिट काम करने जा रहे अभी आपने अभी आपने जो बेटा काम करना है आप इस डायग्राम को दोबारा देखें, 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 देखें मैं इसको कर रहा हूं जरा क्लियर कर रहा हूं अब आपने पीएच इसकी बतानी है एसिड इन फ्लास्क तो पीएच अब जो आपकी टाइट्रेशन वो, वो नीचे तो से ऊपर जाएगी ठीक है क्योंकि ये आपकी अच्छा अब कितना वॉल्यूम आपने ऐड किया जी कितना आपको से 25. तो आप 25 पर भी निशान लेगा कि इतने वॉल्यूम पर इक्वलेंस पॉइंट आएगा कितने वॉल्यूम पर 25 पर पॉइंट आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर फिर आप ये ये देखेंगे कि ये जो कर्व आप बनाने जा रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया था पिछली स्लाइड बेस होगा उसमें वर्टिकल सेक्शन थ्री से इलेवन में आएगा तो आप खुद ही थोड़ा सा बेटा यहाँ पर निशान लगा कर ना थ्री पर लगा डॉट हल्का सा थ्री इस तरह इलेवन पे लगा दे बेटा ये इलेवन होगा ना इसके तकरीबन मिड पॉइंट पर इधर आएगा इधर लगा दे बेटा एक डॉट ऐसे और सेवन इधर आएगा अब देखना बेटा टाइटिशियन कर बनानी आसान और ये आप एक्सेस में डाल रहे हैं ना ये भी जरा चेक करें आपने जो एन डाला है इसमें एच बी आर में, में, में डालना है एक्सेस में तो 45 तक तो आप ले जाएं तो बेटा एनओएच एक स्ट्रॉन्गर बेस है ना तो स्ट्रॉन्गर बेस की पीएच आप 13 तक ले जाएं यहां तक ले लीजिए अब इन डॉट्स को सिर्फ कंबाइन करें आपकी कर्व खुद बहुत, खुद बहुत देखे खुद ब खुद बनेगी ये देखिएगा यह ऐसे ये बेटा आपने कर्व बनानी है अब मैं एक मिनट के लिए वेट कर रहा हूं आप लोग अच्छा मैं जल्दी से समरी बता कर, फिर मैं आप वेट करके आपको देखता हूँ जब भी जब भी आपने जब भी आपने टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करनी है आप पहले देखेंगे कि आपके पास एक्स एक्सिस पर जो भी चीज होगी या बेटा पॉइंट लिख ले

अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की कर्व है तो उसमें जो वर्टिकल सेक्शन बेटा आपने बनाना है वर्टिकल सेक्शन से ना ये आपका इक्वलेंस पॉइंट होता है ये क्या होता है इक्वलेंस पॉइंट इस पॉइंट पर इक्वलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है इक्वेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिस पर

द्वारा अब देखिएगा जी बेटा अब मैं जो कर्व बनाने जा रहा हूं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस इसमें पता है क्या होता है जी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में जो आपका बेटा मैंने लिखवा दिया था मालिक मैंने लिखवा दिया हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो साथ साथ लिखा करो ना बेटा अभी आप रिकॉर्डिंग देखना मैंने इक्वल पॉइंट की डेफिनेशन लिखवाई थी टुगेदर इन एसिड और वीक बेस के केस में, जो बनेगा आपके पास उसमें कौन सा जो, जिसका देखें, है, है. तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा मैं इसकी एग्जाम्पल भी बताता हूँ आपको एसिडिक सॉल्ट होगा साथ में वॉटर बनेगा कैसे जी के देखें अब एच सी एल वीक बेस लेते हैं अमोनिया क्या बनेगा जी आपके पास आपके पास बन रहा है जी इधर अमोनियम और साथ में क्लोराइड आइन अमोनियम क्लोराइड इकट्ठा भी लिख सकते हैं अमोनियम आइन और क्लोराइड आइन बन रहा है सॉल्ट बन रहा है ना आपके पास एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन में अब ये जो बेटा सॉल्ट बना है ना आपके पास क्लोराइड तो चले ये न्यूट्रल स्पेक्टेटर आइन है ये न्यूट्रल है इसका कोई मसला नहीं है लेकिन ये जो अमोनियम आइन बना है दिस इज एस एसिडिक इन नेचर ये एसिडिक इन नेचर है ये जो सॉल्ट है ना अमोनियम क्लोराइड ये एसिडिक इन नेचर है क्यों अमोनियम आइन एबिलिटी टू तो डोनेट द दोटोन देखे ना अमोनियम आइन क्या प्रोटोन लूज करता है बिल्कुल कर सकता है तो आप एक चीज तो अंडरस्टैंड करें कि जब स्ट्रांग एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन होगी तो उसके रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा वो सॉल्ट कौन सा होगा एसिडिक होगा ठीक है अब एसिडिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होने की वजह से इक्वलेंस पॉइंट पर फर्क आएगा अब जरा सुने कि मैंने आपको ये कहा कि जब स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग एल्कली इनकी टाइट्रेशन होती है ना तो जो आपका वर्टिकल सेक्शन आता है वो थ्री से इलेवन के दरमियान में होता है और मिड पॉइंट कौन सा होता है सेवन होता है अगर सेकंड केस देखिएगा एसिड और वीक बेस इसमें जो आपका आप वर्टिकल सेक्शन होगा वो थ्री से सेवन के दरमियान होगा थ्री से सेवन जो वर्टिकल सेक्शन होगा ना वर्टिकल सेक्शन वो थ्री से सेवन के दरमियान होगा और इक्वलेंस पॉइंट फाइव होगा इस दफा इक्वलेंस पॉइंट इज पॉइंट क्या होगा होगा ये मैंने एरिया लिया बस अब। वर्टिकल सेक्शन आपने इस पे बनाना होगा किस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के केस में क्योंकि आपको मैंने रीजन बताइए क्यों इस दफा इक्वलेंस पॉइंट एसिडिक की तरफ आ रहा है क्योंकि जो सॉल्ट बन रहा है वो एसिडिक नेचर है अमोनियम आइन और वो एच रिलीज कर रहा है तो इक्वलेंस पॉइंट इस दफा आपका फाइव पर आना चाहिए वैसे तीन इक्वलेंस पॉइंट आते हैं ये मैं आपको चले यहां बता देता हूं इक्वलेंस पॉइंट तीन जगह पर आ सकता है नाइन पर भी आ सकता है सेवन पर भी आ सकता है फाइव पर भी आ सकता है सेवन वाला तो आपने देख लिया इक्वलेंस पॉइंट सेवन पर उस वक्त आएगा जब न्यूट्रल सॉल्ट होता है ये तीन बेटा आपके इक्वलेंस पॉइंट हैं हमने अभी तक एक पढ़ा है

वो याद रखना बड़ा आसान है आप अगर ये याद कर लेना नाइन सेवन और फाइव ये जो फाइव है ये जो फाइव आ रहा है ये सेवन आज जो है ये इक्विलेंस पॉइंट है इक्वलेंस फॉर स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस और ये जो फाइव है ना बेटा ये इक्वलेंस पॉइंट है स्ट्रॉ एसिड एंड वीक बेस अब वर्टिकल सेक्शन याद रखना आसान है आपने वर्टिकल सेक्शन है वर्टिकल सेक्शन तो ऐसे याद रखना है कि दो पॉइंट आगे दो पॉइंट पीछे कर दो बस तो इसका जो वर्टिकल सेक्शन होगा थ्री से सेवन के दरमियान आएगा इसका जो वर्टिकल सेक्शन आपने बनाना है थ्री से सेवन के दरमियान वर्टिकल सेक्शन की लेंथ इतनी होगी थ्री पी एच से सेवन पी एच तक लेकिन जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्टिकल सेक्शन है वो स्ट्रॉग अलकली और स्ट्रॉन्का है थ्री से इलेवन ठीक है अब जरा देखें जी आप डायग्राम कैसे बनाएंगे मैं दोबारा उस क्वेश्चन पर आता हूं ये देखिए जी आप देखिएगा कि ये हमारे पास इस दफा 0.1 मोल अमोनिया है बड़ा ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है कोई परेशान होने की बात नहीं है इसमें आप शॉर्टकट में आपको बताऊंगा अभी बड़े आसानी से हो जाएगा 0.1 मोल अमोनिया है और 0.1 मोल एच है पहले इनकी इक्वेशन लिखते हैं ना अमोनिया प्लस एच इट गिव्स अमोनियम ब्रोमाइड देखिये अमोनियम सॉल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये वीक बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा एसिडिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट होने की वजह से अब जो इक्वलेंस पॉइंट होगा वो लेस देन सेवन होगा एसिडिक सॉल्ट है ना तो पॉइंट से नीचे आएगा एसिडिक पीएच पर इक्वलेंस पॉइंट आएगा अच्छा अब आपको मैंने ये कहा कि जब आपने वर्टिकल सेक्शन बनाना होगा अच्छा इसमें क्या क्या चीजें आपने याद रखनी है स्ट्रॉन्ग एसिड की जो पीएच है ना वो आपने रखनी है बेटा जीरो से टू के दरमियान जीरो से कभी ना स्टार्ट कीजिएगा ठीक है जो वीक वीक बेस बेस है ना बेटा वीक बेस, इसकी आपने याद रखनी है एट से ट्वेल्व के दरमियान ट्वेल्व से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वीक बेस है वर्टिकल सेक्शन देख लें वर्टिकल सेक्शन जो होगा ना यहां पर वो होगा आपका फाइव तो इक्वलेंस पॉइंट है ना फाइव इज द दस पॉइंट ये याद रखिएगा पॉइंट 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 है है तो दो दो पीछे और दो point आगे से seven. ठीक है? ये वर्टिकल सेक्शन होगा और इक्वलेंस पॉइंट क्या होगा इक्वलेंस पॉइंट आपका होगा जी इसमें फाइव और वॉल्यूम कितना यूज होगा जी वॉल्यूम यूज कितना वॉल्यूम अमोनिया का ऐड करेंगे देखें

तो एसिड की पी अब नीचे से ऊपर की तरफ आपने जाना है ठीक है एसिड स्ट्रॉन्ग है या yes है तो आप जीरो से यहाँ कर, जी, कर रहे हैं अमोनिया है, जा रहे हैं अच्छा कितना वॉल्यूम आप ऐड करेंगे अमोनिया का कि ये हम बता चुके हैं वॉल्यूम यूज ट्वेंटी इस केस में इतना वॉल्यूम यूज होगा वर्टिकल सेक्शन थ्री सेवन के दरमियान पी एच थ्री है तो आपने ये पॉइंट लगा लेने वन से सेवन के दरमियान ये बेटा आपका वर्टिकल सेक्शन होगा और देखें वर्टिकल सेक्शन के बाद जो आप क्योंकि बेस एक्सेस में डाल रहे हैं ना अमोनिया एक्सेस में डाल रहे हैं तो जारी बात है फ्लास्क में जब आप ऊपर ब्यूरेट से एक्सेस अमोनिया डालेंगे तो कॉनिकल फ्लास्क में बेसिक हो जाएगा लेकिन वो इतना वीक बेस है तो पीएच आपकी मैक्सिमम ट्वेल्व तक जानी चाहिए आप इलेवन तक ले जाए तो ज्यादा अच्छा है बस ये अब ज़रा देखिएगा कितने आसानी से बन जाएगा जी कर्फ ये देखना ये ये जी ये आपकी टाइट्रेशन कर्फ बनेगी ऐसे ठीक है अब आपका जो वर्टिकल सेक्शन है ना बेटा वो ये है दिस इज वर्टिकल सेक्शन और इसका मिड पॉइंट मिड पॉइंट जो होगा वो इसका इक्वलेंस पॉइंट होगा ये ये इसका इक्वलेंस पॉइंट है इक्वलेंस पॉइंट अभी मैं इसका फायदा बताता हूँ आपको ये करने का फायदा क्या होता है जी लेकिन पहले आप एक और भी पहले देख लें कि इसके ऑपोजिट इसके ऑपोजिट ये तो हमने हमने किया ना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का अब मैं इसके ऑपोजिट करता हूँ कि

ऐसे बेटा। तो वो कह रहे था कि जो वर्टिकल सेक्शन होगा ना ये वाला ये ये किस वॉल्यूम पर पर आना चाहिए? आ रहे हैं। इस चीज के मार्क्स होंगे। फिर देखें एक और किस के वो मार्क दे रहा है या उससे कम रखें क्यों भाई क्योंकि दोनों केसेस में जो एसिड है वो तो स्ट्रांग है ना

फोर्टीन और जो वी कहना है बेटा अमोनिया उसमें वो कह रहा है कि जो बेस होगी आपकी जी बेटा आपने खजरान जो पीएच होती है वो तो हमेशा कोनिकल फ्लास्क की चेंज हो रही होती है ना क्योंकि ब्यूरिट से आप ऐड कर रहे होते हैं इनटू टू कोनिकल फ्लास्क तो जो पीएच है वो हमेशा कोनिकल फ्लास्क की चेंज हो रही होगी डेफिनेटली अब बेटा आपको मैं बताता हूं इसमें कि आप इंडिकेटर कैसे यूज़ करेंगे कर करें। कर तो उसमें जो मर्जी इंडिकेटर यूज कर लें इंडिकेटर को सिलेक्ट कैसे करते हैं तो जरा सुनिएगा एक बात बड़ी गौर से ये जो आपका वर्टिकल सेक्शन है ना जो थ्री से इलेवन के दरमियान आ रहा है आप उस इंडिकेटर को सिलेक्ट करते हैं जिस इंडिकेटर की रेंज वर्टिकल सेक्शन के अंदर आ रही होती है थ्री से इलेवन के दरमियान फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूं ये जैसे जी मैं यहां पर ना एक कर्व जल्दी से बना लेता हूं देखिए ये है जी आपके पास वॉल्यूम ऑफ एन एडेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर और ये बेटा आपके पास है पीएच ये स्ट्रॉन्ग एसिड का हम बना रहे हैं ठीक है एच सी एल एड हो रहा है जी ऊपर से कि और की है. ये ट्वेंटी फाइव है नहीं बेटा बिल्कुल याद नहीं करना आपको बिल्कुल याद नहीं करना ये पीएच याद नहीं करनी बेटा आपको. बेटा ये जो वर्टिकल सेक्शन मैंने बनाया ना ये वर्टिकल सेक्शन ये है जी थ्री से इलेवन के दरमियान ठीक है अब ये कहता है कि आप वो इंडिकेटर यूज करेंगे जो अपनी पीएच को इस रेंज के अंदर चेंज करता है इस रेंज के अंदर उस इंडिकेटर को आपने यूज करना है देखिए बेटा अच्छा इंडिकेटर वो होता है ना कि आप अगर एक ये बात गौर से सुनिएगा जो मैं भी बता रहा हूँ अच्छा इंडिकेटर वो होता है कि अगर आप एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा डालें ना एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा डाल दें एसिड का तो वो अपना कलर चेंज कर दे वो अच्छा इंडिकेटर है तो वो कौन सा इंडिकेटर होगा सुने क्या मैं मिथाइल वायलेट को मुझे यहाँ पर लेबलिंग करनी पड़ेगी बेटा उसके बगैर गुजारा नहीं होगा एक मिनट ये जीरो है ये वन है ये टू है मैं बटा इसको जरा लेबल करता हूं ताकि फिर आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छा समझ आए वेट अ मिनट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और ये फोर्टीन ये जी ये बेटा वर्टिकल सेक्शन आ रहा है थ्री से इलेवन के दरमियान ना ये वाला ठीक है थ्री से इलेवन के दरमियान अब देखिए आपको ऐसा इंडिकेटर सेलेक्ट करना है कि जो इस रेंज के दरमियान है मिथाइल वाल, वॉयलेट इंडिकेटर आप यूज नहीं कर सकते बेटा उसकी रेंज जो है ना वो जीरो पॉइंट जीरो से वन पॉइंट सिक्स के दरमियान आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो से वन पॉइंट सिक्स जबकि आपको वो इंडिकेटर सिलेक्ट करना होगा जो इस वर्ड देखें वो इंडिकेटर अच्छा होगा जो इस पीएच को जहां पर पीएच बड़ा शार्पली चेंज हो रही है ना उसको आपने आइडेंटिफाई करना है तो मिथाइल वायलेट काम नहीं करेगा अच्छा ये भी काम नहीं करेगा जी मिथाइल येलो क्योंकि दोनों रेंजेस अंदर आनी चाहिए टू और फोर अगर आप टू और इसका देखें तो जो इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं मिथाइल येलो वो 2.9 पीछे से बेटा स्टार्ट हो रहा है वो इस एरिया में आएगा देखें ये काम नहीं करेगा बिल्कुल करेगा थ्री पॉइंट टू से फोर फोर के दरमियान तो ये ये आपका, ये आपका जी तकरीबन थ्री पॉइंट टू आ रहा है और ये आपका फोर पॉइंट फोर आ रहा है दरमियान में आ रहा है बेटा ये नाम दिए होंगे रेंज भी दी होगी हमाद ब्रोमोफिनोल ब्लू देखें ये ये दोनों रेंज नहीं आ रही ना 2.8 और 4.6 2.8 बाहर आ रहा है 3 से तो ये काम नहीं करेगा अच्छा ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन 3.8 और 5.4 ये बेटा देखें ये दोनों रेंजेस जो हैं 3.8 और 5.4 ये दोनों इसके अंदर आ रही हैं तो ये इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं तो इन शॉर्ट आपने इंडिकेटर की सिलेक्शन बतानी होगी कोई मुश्किल चीज नहीं है क्या करना है आपने अपना वर्टिकल सेक्शन तो आपको याद होगा ना, ना सेक्शन कौन सा आ रहा है 3 से 11. तो वो इंडिकेटर सिलेक्ट करेंगे जो अपना कलर थ्री और इलेवन के दरमियान में चेंज कर रहा है तो देखें आप फिनोथलिन यूज कर सकते हैं आप ब्रोमोथाइमोल ब्लू यूज कर सकते हैं आप मिथाइल रेड यूज कर सकते हैं ब्रोमो, आ, ब्रोमो ग्रीन यूज़ कर सकते हैं ब्रोमो फिनोल ब्लू नहीं कर सकते वो थ्री से पहले टू पॉइंट एट पर भी कलर चेंज कर रहा है मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं मिथाइल येलो नहीं कर सकते वो टू पॉइंट नाइन पर कलर चेंज कर रहा है तो इस तरीके से आप और ये भी नहीं कर सकते बेटा लास्ट वाला अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ अच्छा मैं इसके पीछे लॉजिक अभी आपको नहीं बता रहा कि ऐसा क्यों है सिर्फ आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटा आइडेंटिफाई करना होता है और आपने टिक करना वो कहता है जी कि आप टिक करें कि कौन सा इंडिकेटर इस टाइट्रेशन में यूज हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है जी यहां पर अब जरा देखिए ना जरा इस ग्राफ को देखें आप और इस ग्राफ को देख कर पहले खुद सोचें एक मिनट के लिए एक मिनट के लिए ये सोचें के इस टाइट्रेशन कर्फ को देखकर क्या आपको यह पता चल रहा है कि ब्यूरिट में क्या चीज ली है और कॉनिकल फ्लास्क में क्या चीज ली है ये जरा सोचें देखें यहां पर जो

अच्छा देखें अब ये जो एच और अमोनिया का मैं रिएक्शन करवा रहा हूं इसमें एसिडिक सॉल्ट बन रहा है और एसिडिक सॉल्ट होने की वजह से जो इक्वलेंस पॉइंट है वो बिलो सेवन होगा ठीक है जी आपको कर्व बनाने वक्त बना, बनाते वक्त क्या क्या चीजें ख्याल करनी है वो ये दफा बच्चे उल्टी कर्व बना देते हैं इस तरह की अब कर्व नहीं बनानी होगी मतलब नीचे से ऊपर नहीं ड्रॉ करनी होगी ऐसे करके वो आपको कब ड्रॉ करनी होगी जब आप इनकी पोजीशन स्विच करेंगे एच सी एल को कॉनिकल फ्लास्क में और अमोनिया को ब्यूरेट में तब आपको वो पोजिशन स्विच करनी होगी कर्व बनाते वक्त आप अपने माइंड में ये रख लेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच एच जीरो से टू के दरमियान वीक बेस की पीएच एच एट से 12 के दरमियान वर्टिकल सेक्शन बेटा आप इसका याद कर लेंगे थ्री से सेवन वर्टिकल सेक्शन होगा थ्री से सेवन के दरमियान और इसका मिड पॉइंट होगा दैट इज दाइव

थ्री से सेवन है इस दफा अगर वर्टिकल सेक्शन आपका आ रहा है थ्री से सेवन के दरमियान जी तो इंडिकेटर आप कौन सा यूज करेंगे मिथाइल वॉलेट यूज हो सकता है नहीं मिथाइल येलो नहीं मिथाइल ऑरेंज यस मिथाइल ऑरेंज हो सकता है ना दोनों रेंजेस अंदर आ रही है ना इसके अच्छा ब्रोमोफिनोल ब्लू नहीं दोनों ही बाहर नहीं वो तो यहां पर कलर चेंज करेगा ज्यादा वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा और फिर जाके वो कलर चेंज होगा और लिए भी नहीं हो रहा है तो बेटा वर्टिकल सेक्शन आपको ये बताता है कि आपने कि आपने कौन सा इंडिकेटर यूज करना है अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा इसके ना इसके पीछे वो बताता हूँ कि वर्टिकल सेक्शन सेलेक्ट करने वर्टिकल uh, सेक्शन कैसे आपको हेल्प करता है जी देखिए मैं आपको इसकी एग्जाम्पल ऐसे देता हूं ये चीज uh, जो मैं अब आपको बता रहा हूं एग्जाम के लिए तो वो काफी है वर्टिकल सेक्शन उसको मैच कर लेकिन वर्टिकल सेक्शन के पीछे क्या बेटा साइंस uh, है वो जरा सुन लें जीरो वन टू थ्री फोर वेट अ मिनट ये जीरो है ये हम सेवन कर देते हैं ये हम फोर्टीन कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एट नाइन टेन एलेवन टर्टीन ये yes, इसका जी मिड इक्वलेंस पॉइंट ये आ रहा है ठीक है जी इक्वलेंस पॉइंट ही आ रहा है अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्टिकल सेक्शन का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना सपोज करते हैं कि मिथाइल रेड मिथाइल रेड जो है ना इसकी जो रेंज है बेटा वो 4.2 से 6.3 है ठीक है ये इस कलर में अपना ये इस रेंज में जो है ना अपना कलर चेंज करता है अब देखें अगर आप अगर आप ये इंडिकेटर यूज करते हैं अच्छा वर्टिकल सेक्शन में पहले लिख देता हूं इसका वर्टिकल सेक्शन ये आ रहा है वर्टिकल सेक्शन से सेवन के दरमियान क्या ये पीएच जो चेंज हो रही है फोर पॉइंट टू से सिक्स थ्री दोनों रेंजेस इस वर्टिकल सेक्शन में आ रही हैं आ रही है अब आने से हमें क्या फायदा है देखें PH को मैं जरा मार्क कर और सिक्स थ्री ये आ रही है ये मुझे बताएं ये दोनों रेंजेज कितने वॉल्यूम में आ रही है देखें ट्वेंटी ट्वेंटी क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रही है ना तो एग्जैक्ट आप अगर 20 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऐड करेंगे ना 20 क्यूबिक सेंटीमीटर एसिड का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा अगर मैं इस इंडिकेटर की जगह आपको समझाने के लिए एक और इंडिकेटर लेता हूं और वो है थायमोल ब्लू सपोस मैं लेता हूं थायमोल ब्लू अब जरा चेक कीजिएगा थायमोल ब्लू बड़ा ये अपना कलर चेंज करता है 9.1 से अब जरा देखिएगा अगर मैं थाइमोल ब्लू लेता हूं फिर क्या होगा इधर है है जी ये है, और आ है, मतलब ये ये और आ मतलब किस वॉल्यूम पर अपना कलर चेंज कर रहा ट्वेंटी से पहले पर नहीं कर रहा है क्या ये जो थाइमोल ब्लू मैं लूंगा, तो क्या ये अपना वॉल्यूम 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर चेंज कर रहा है हमें तो वो इंडिकेटर चाहिए जो इस वर्टिकल सेक्शन के वॉल्यूम के अंदर अपना कलर चेंज करे तो इसलिए ये पीछे उसकी बेटा साइंस है कि क्यों आप ऐसा इंडिकेटर सिलेक्ट करते हैं जो वर्टिकल सेक्शन के अंदर आ रहा हो अब मैंने थायमोल ब्लू का आपको बताया ना थामोल ब्लू 9.1 से 9.6 की रेंज में अपना कलर चेंज कर रहा है तो वो आप इतना सा वॉल्यूम अभी करेंगे ना कि कितना होगा टेन है मेरा ख्याल है टेन क्यूबिक सेंटीमीटर एड करेंगे वो कलर चेंज कर देगा हालांकि ट्वेंटी पर आ रहा है

क्वलेंस पॉइंट से एक दफा जल्दी से मैक्सिमम बेटा आपको बस मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी नावन पर Equivalence point. ये उस सूरत में होगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रोंग बेस होगा और इसका जो वर्टिकल सेक्शन है वो क्या होगा थ्री से इलेवन पे आएगा लॉन्गेस्ट वर्टिकल सेक्शन होगा फाइव उस वक्त होगा जब आप टाइट्रेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस और इसके जो वर्टिकल सेक्शन है दो वैल्यूज पीछे दो वैल्यूज आगे सेवन और पीछे थ्री और इक्वलेंस पॉइंट नाइन उस वक्त आएगा व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो इसका भी बेटा वर्टिकल सेक्शन कैसे बनाना है दो पॉइंट आगे दो पॉइंट पीछे तो सेवन से इलेवन आसान है या नहीं देखें सेवन से इलेवन पर इसका वर्टिकल सेक्शन होगा इससे भी अगर आसान अगर आपको ये तरीका ज्यादा आसान लगता है याद रखने के लिए तो ये कर लें कि वर्टिकल सेक्शन आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का याद करें ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग अल्कली का जो वर्टिकल सेक्शन है वो क्या है थ्री से इलेवन है सेवन इज द इक्वलेंस पॉइंट ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का और इसका इक्वलेंस पॉइंट फाइव आएगा यह बेटा आएगा, आएगा आपके पास स्ट्रोंग बेस वीक एसिड और इसका इक्वलेंस पॉइंट नाइन आएगा ठीक है इस तरह भी याद कर सकते हैं अब आ जाए इसके टाइट्रेशन कर्व पर अब हम कर रहे हैं जी वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस साथ में वाटर ये जो बेटा आपके पास वीक एसिड है ये आपके पास स्ट्रोंग एल्कली है अब जो सॉल्ट बनेगा ना ये बेसिक सॉल्ट होगा आपको रीजन भी बताता हूँ क्यों ये बेसिक सॉल्ट है बेटा

जीरो पॉइंट वन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है ये भी जीरो पॉइंट वन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है अगर इसका टेन क्यूबिक सेंटीमीटर यूज हो रहा है तो इसका भी टेन क्यूबिक सेंटीमीटर ही यूज होगा टाइटेशन कर्व बनाते हैं वॉल्यूम ऑफ एन एच एडिड इन क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है जी ये जीरो कितना मैंने लिया टेन टेन लिया इस दफा टेन ये फिफ्टीन ये और ये ट्वेंटी और ये इधर होगी जी पी एच ये सेवन पर आ रही है ये फोर्टीन पर आ रही है बेटा अगर हैदर इक्वल मोल्स नहीं होंगे तो आप कैलकुलेशन करके वॉल्यूम निकालोगे जो मैंने ऊपर रेशियो मेथड से आपको कैलकुलेशन करना सिखाई है कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं तो वॉल्यूम तो निकल आएगा अगर सपोज इक्वल नहीं है ना आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अगर इस तरह होगा सपोज करते हैं जी यहाँ पर उसने लिया हुआ कंसेंट्रेशन जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू ये जीरो पॉइंट वन फिर आपको क्या करना होगा जी फिर आपको वॉल्यूम निकालने होगा अगर इसका टेन क्यूबिक सेंटीमीटर यूज हो रहा है तो इसका आप बेटा कंसेंट्रेशन जो रेशियो मेथड मैंने आपको बताया कि थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने मोल आ रहे हैं तो टेन क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल आएंगे इसके मोल्स आ गए फिर आप वही मोल की यूज होंगे तो वो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा तो आप रेशो मेथड से फिर वॉल्यूम खुद निकालोगे बेटा जो मैंने ऊपर आपको सॉल्व करके दिया अगर नहीं नहीं आता तो मैं मुझे बताओ मैं कर देता हूं अच्छा ये अगर टेन क्यूबिक सेंटीमीटर है ये भी टेन क्यूबिक सेंटीमीटर है अब बेटा देखिए आपने टाइट्रेशन ड्रॉ करनी है किसके दरमियान हम कर रहे हैं ये देख लें वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस इसके बारे में जरा सारी इंफॉर्मेशन पहले नोट कर लें तो वीक एसिड की पीएच है बेटा वीक एसिड की पीएच आपने थ्री से ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा थ्री या थ्री से ऊपर ठीक है फोर से कर ले तो ज्यादा अच्छा बस फोर आप वीक एसिड की पीएच रखें ये आ, जीरो वन टू वन टू थ्री फोर ये फाइव ये सिक्स एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन अच्छा देखिए ये तो हो गया वीक एसिड की पीएच फोर स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच मैंने आपको कहा है कि आपने ट्वेल्व से ऊपर रखनी है ट्वेल्व और फोरटीन के दरमियान ठीक है तो यहां पर मैं साइड पे लिखता रहता हूं वीक एसिड आप स्टार्ट कर दें फोर्थ से स्ट्रॉन्ग बेस है वो पीएच आपने रखनी है बेटा ट्वेल्व से फोर्टीन के दरमियान वर्टिकल सेक्शन वर्टिकल सेक्शन अच्छा वर्टिकल सेक्शन अगर याद नहीं रहता एक इक्वेलेंस पॉइंट याद कर लेना तीन इक्वल पॉइंट होंगे जी नाइन सेवन फाइव नाइन सेवन फाइव सेवन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए

वॉल्यूम 10 यूज हो रहा है बेटा 10 तो यहां पर आपने वर्टिकल सेक्शन बनाना है किसके درمیان 7 से 11 के درمیان जी तो ये 7 से लेकर 11 तक और फिर आपने स्ट्रांग बेस है तो 14 पर पीएच लेके जानी है एक्सेस में वो डाल रहे तो ये देखिएगा जी ऐसे ये आपका बेटा वर्टिकल सेक्शन होगा वो इंडिकेटर यूज करेंगे जो इस रेंज के अंदर अपना कलर चेंज कर रहा है ठीक है बेटा तो ये हमारी क्लास यहां पर खत्म मैं कर रहा हूं और आपको मैं इसके भी बेटा एक वर्कशीट सेंड कर देता हूँ और एक पास पेपर प्रैक्टिस की मैंने इसकी एक वो लेकिन आप मत सुनिएगा उसकी रीजन कि वो यह के बच्चों के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई हुई है तो वर्कशीट में सेंड करता हूँ वो आप लोग सॉल्व करें बड़ी आसान सी होगी बस ये आपने तीन कर्व्स बनानी है तीनों कर्ज मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिए